इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने वाले हैं एम्बिग्यूस ग्रामर ये कोई ग्रामर का टाइप नहीं है बट अगर ग्रामर में एम्बिग्यूटी हो कुछ उलझन हो तो उसे एम्बिग्यूस ग्रामर कहा जाता है तो ये एम्बिग्यूटी जो है वो कैसे डिटेक्ट किए जाए तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है कि हमें कोई एक स्ट्रिंग पकड़ना है एक ग्रामर के लिए और उस स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन लेव मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन अगर मिलते हैं तो उसको हम एम्बिगुएस ग्रामर कहते हैं मीन्स उस ग्रामर में उलझन है कुछ ना कुछ उलझन है फिर से बोल रहा हूं एक तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में टू डेरिवेशन या राइट right मोस्ट में डेरिवेशन का यूज करके टू डेरिवेशन अगर रहता है तो उसको एम्बिग्युअस ग्रामर बोलते हैं ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट और एक राइट right, ऐसे दो डेरिवेशन हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्बिग्युअस ग्रामर है एम्बिगुअस ग्रामर के लिए हमें एक तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करना है या राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करना है अगर हमें लेफ्ट मोस्ट का यूज करके टू डेरिवेशन अगर मिलते हैं या राइट मोस्ट का यूज करके हमें टू डेरिवेशन मिलते हैं तो उसे बोला जाता है एम्बिग्युस ग्रामर तो अनएम्बिग्यूस ग्रामर होता क्या है ये भी मैं यहां पर बता रहा हूं कि इसमें जो डेरिवेशन वो यूनिक होता है आप लेफ्ट का यूज करो या राइट right का यूज करो तो उसमें जो है डेरिवेशन वो एक ही होता है फॉर द सेम स्ट्रिंग तो उसे कहा जाता है अनएम्बिगस ग्रामर तो हम इसी टेस्ट का यूज करके एक एग्जांपल देखते हैं ये एक ग्रामर दिया हुआ है जिसमें ई जो है वो वेरिएबल है कैपिटल ई e जो है वो वेरिएबल है देन वही स्टार्टिंग सिंबल है और ये प्रोडक्शन रूल है वन टू और थ्री और ये जो है यही टर्मिनल सिंबल है अब हमें एक स्ट्रिंग प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग दिस ग्रामर आई डी प्लस आईडी इनटू आई डी तो ये दो डेरिवेशन है लिखे हैं। इनमें दोनों में भी हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का ही यूज किया है तो देखिए कैसे किया है तो फर्स्ट हमने ई एज ए स्टार्टिंग सिंबल तो इसमें हम रूल नंबर वन यूज किया देन फर्स्ट ई को हमने रिप्लेस किया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम लेफ्ट मोस्ट सिंबल ही रिप्लेस करते हैं तो बाय रूल नंबर थ्री इसको रिप्लेस किया देन अगेन सेकंड ई को हम रिप्लेस करते हैं ई इंटू में बिकॉज हमें चाहिए आईडी प्लस आईडी इंटू आई तो इसके लिए हमने e इंटू को e, e को रिप्लेस किया इंटू देन अगेन ये दोनों जो e है वो बाय रूल नंबर थ्री से हम रिप्लेस कर लेंगे थ्रू द आई डी तो ये हुआ फर्स्ट डेरीवेशन आईडी प्लस आई डी इंटू आई डी के लिए देन उसी तरह से सेम स्ट्रिंग के लिए हम और लेफ्ट मोस्ट का ही यूज करके डेरिवेशन बनाते हैं तो फर्स्ट जो रूल हमने यहां पर फर्स्ट रूल यूज किया था तो हम यहां पर सेकंड रूल यूज किए को हम रिप्लेस करेंगे आईडी प्लस आई डी चाहिए तो यहां पर हमने फर्स्ट रूल यूज किया देन हर कोई ई e जो है वो आई डी में रिप्लेस करना है वन बाय वन तो इसके लिए हम रूल नंबर थ्री यूज करेंगे तो इसी तरह से ये सेकेंड डेरिवेशन हो गया तो सेम स्ट्रिंग के लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का हम यूज कर रहे हैं और हमें यहाँ पर जो ग्रामर दो डेरिवेशन मिल रहे हैं तो इसके वजह से ये जो ग्रामर दिया है ये एम्बिग्यूस ग्रामर है ये जो ग्रामर है ये एम्बिग्यस ग्रामर है तो इस तरह से एक स्ट्रिंग को पकड़ के हम अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही यूज करना इसमें इजी होता है टेस्टिंग के लिए कि सीधा सीधा जो है लेफ्ट मोस्ट का लेफ्ट साइड से रिप्लेसमेंट इजी जाता है तो इसके इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है ग्रामर जो है गिवन ग्रामर जो है वो एम्बिग्युस ग्रामर है तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हाउ टू रिमूव दिस एम्बिग्यूटी So thank you for watching this one. Thank you so much.